सभी भाइयों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। एक बार वापस उसी लोकेशन पे पहुंचा हूं दोस्तों, जिस लोकेशन को अधूरी छोड़ के हमें भागना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि ये लोकेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। और ये देख के आप समझ गए होंगे कि मैं वापस कौन सी लोकेशन पे आया हूँ। मैं लोकेशन पे उसी लोकेशन पे आया हूँ जहाँ एक भूतिया बच्ची लड़की, उसकी माँ और एक राक्षस टाइप का, पता नहीं वो कौन है क्या है, कोई पता नहीं है। वापस आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन काफ़ी भाइयों के बहनों के कमेंट आए कि मनोज भाई उस चीज़ को ऐसे मत छोड़ो और उस बच्ची की मुक्ति कराओ, मुक्ति कराओ। तो आखिर मैं वापस उसी लोकेशन पे आया हूँ और मैं कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसकी मुक्ति करा पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें गुरुदेव से आ रहा हूँ, गुरुदेव के पास जाके आया था, कुछ ऐसी चीज़ें और नई सीख के आया हूँ मैं कि हो सकता है कि मेरे प्रयास से उस बच्ची की मुक्ति हो जाए। और बाकी ऊपर वाला वही जाने, हम काम कर सकते हैं, फल देना उसकी इच्छा है, लेकिन हम, मुझे ये पता है कि हम नेक काम कर रहे हैं और आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। बाकी लोकेशन बहुत खतरनाक है, द्वार प्रार्थना में याद रखना। और जो भी भाई चैनल पर न्यू विजिट करते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ भाई, कैमरे पे अंकित भाई है, कोई नहीं है, हम दो भाई हैं केवल आज। और दोस्तों पूरा मौसम हो रखा है बारिश का, बादल हो रखे, कभी भी बारिश आ सकती है। आ जाओ भाई, बादल गरज रहे हैं। हाँ भाई, दोस्तों हल्की फुल्की मुझे लग रहा है कि एक दो दिन में यहाँ बारिश हुई है। ये थोड़ा सा पेट्रोल लाया हूँ कि कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ जाए आग लगाने की, इसलिए मैं पेट्रोल लाया हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों को, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जगह कुछ देखने में अजीब सी लगती है। कुछ यहाँ पे काफ़ी सारी हड्डियाँ वगैरह, हो सकता है कब्रिस्तान हो, पुराना कब्रिस्तान हो। आओ भाई, आ गया। पिछली बार कोई चीज़, एक चीज़ मैं भूल गया था दोस्तों, जो मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा गंगा जल है, बहुत ही पवित्र, और किसी भी तरीके से जहाँ पे वो कुछ आवाज आएगी, किसी भी तरीके से उन अस्थियों को तो हमने निकाल दिया था बाहर कब्र से, उन अस्थियों के पास पहुंच के और इस गंगा जल से उनको शुद्ध करके दोस्तों। और जो भी है हम आगे की करेंगे कार्रवाई। उस दिन ये चीज़ मैं भूल गया था और हमें यहाँ से निकलना पड़ा। कोई भी चीज़ कैप्चर हो है, ठीक है ना, ध्यान से और जूम करके हर चीज़ को। तो क्योंकि वीडियो में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि जूम नहीं करते, जूम नहीं करते, हर चीज़ को क्लियर कैप्चर करना, कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे। भाई यही रास्ता था ना, है भाई? हाँ भाई। दोस्तों
दोस्तों पूरा जंगल है, पूरा एक समा एक सार लगता है, पता ही नहीं चलता कि किधर जाना है किधर नहीं। भाई देख बिजलियां कड़कने लग गई है भाई, और कुछ अजीब सी आवाज भी आ रही भाई। कोई है यहाँ पे? कोई है? यार दोस्तों हमने पिछली बार जब भी विजिट किया, या तो उस बच्ची की माँ या वो खुद बच्ची हमें दिखाई दे रही थी और हमें रास्ता भी दिखा रही थी, लेकिन इस बार न तो कोई दिखाई दे रहा है। उधर घुमा लो भाई, भाई रुको 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 रुको, कोई है यहाँ? कोई है इस जंगल में जो हमारी आवाज सुन रहा हो? भाई ये रास्ता है ना? हाँ भाई यही है भाई रास्ता, यही पिछली बार वो जो लड़की थी भूतिया बच्ची की आत्मा यही दिखी थी भाई। आओ और दोस्तों काफी कमेंट आते हैं आपके के भाई टॉर्च लेके जाया करो, तो यार दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कई किलोमीटर तक पैदल चल के और लोकेशन पे पहुंचते हैं और सामान इतने हो जाते हैं कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता हाथों में इतने लेके चले हम। भैया है जो हमारी मदद कर सकता है? यार दोस्तों कोई हलचल नहीं, कुछ जानवरों की आवाज जरूर आ रही है, बाकी मैं तो वो लड़की की आत्मा दिख रही है। हो सकता है कि कुछ गलत नहीं हो गया क्योंकि वो जो अस्थियां थी उसकी उनको हमने निकाल के और बाहर छोड़ दिया था। हाँ भाई है भाई कुछ कहाँ पे? वहाँ है उसी जगह है वो, और एक बार इधर हाँ भाई भाई वो ये बच्चे हाँ भाई बेटा, हम तुम्हारी मुक्ति कराने आए हैं।
हाँ भाई मामा चिल्ला रही है भाई भाई एक बार शक्ल कैप्चर करना, जूम करके शक्ल कैप्चर कर भाई। बेटा रास्ता मत रोको हमारा, हम जो कार्य करने आए हैं वो हमें करने दो। आज आगे वहीं आगे ही है वो कब्र उसकी। शैतान भी वही खड़ा है, पता नहीं उसकी बाकी आत्मा है या शैतान है। हाँ भाई जानी भाई वो हाँ भाई मुझे लग रहा है बोलिए भाई वो शैतान है भाई, शैतान लग रहा है तो भाई वो शैतान है। भाई वो बच्ची की आत्मा कहाँ गई? हाँ भाई हाँ भाई भाई वो देख वस्तियाँ पड़ी है वैसे की वैसी। हाँ भाई भाई दिखा ना एक बार जल्दी भाई उधर उधर भी नजर रखना। हाँ भाई चलिए भाई उधर नजर रखना। उधर भी कैप्चर करते रहना भाई, मैं तब तक इनको कर दूँ। भाई पीछे भाई पीछे तू हाँ अरे वो चीज आ गई है। हाँ भाई
दूं मैं एक बार। हाँ भाई, हे प्रभु इस बच्ची की आत्मा को मोक्ष देना, मुक्ति देना प्रभु। एक बार देखता हूँ मैं क्या मैम कैप्चर हो रखा है, ये राक्षस है या उसकी माँ है कहीं। हाँ भाई, लेकिन इसीलिए हमला नहीं कर रही अभी तक। भाई ज्यादा आगे मत जाना भाई, मुझे लेकिन राक्षस लग रहा है, एक बार रुक मैं थोड़ा देखता हूँ। हाँ भाई, ओ भाई वो ये राक्षस है भाई, निकल। हाँ भाई, अपना काम हो गया, छोड़ जा। हाँ भाई, हाँ भाई दोस्तों, जो हम करने आए हैं जितना हमें बताया गया था वो चीज वो मैं कर चुका हूँ, इससे ज्यादा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और निकलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके साथ कहीं नई लोकेशन पे, किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। वो राक्षस है वो हमें दिखाई नहीं दे, कुछ गड़बड़ नहीं कर दे।